लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना जारी है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो केसरगंज सीट से सामने आ रही है। दरअसल केसरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, करण भूषण को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट दिया था और ऐसे में बीजेपी पार्टी और ब्रजभूषण दोनों के लिए बड़ा झटका साबित होगा अगर करण भूषण केसरगंज सीट से हारते हैं। मैं आपको बता दूं, इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगत राम जो है वो आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं नरेंद्र पांडे जो है बीएसपी के कैंडिडेट वो भी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन करण भूषण काफी ज्यादा पीछे इस सीट पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब केसरगंज सीट जीतना करण भूषण यानी कि ब्रजभूषण के बेटे के लिए काफी बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जब ब्रजभूषण का टिकट काटा तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि अब बहुत मुश्किल साबित होगा कि कोई भी कैंडिडेट यहां से बीजेपी का जीत दर्ज नजर आए। दूसरी तरफ देखा जाए तो कारण ये भी माने जा रहे हैं कि ब्रजभूषण पर जो संगीन आरोप लगे थे उसके बाद जो केसरगंज की जनता है वो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण और उनके बेटे के समर्थन में नहीं थी। हालांकि बीजेपी पार्टी जो थी वो इस दबाव में थी और उनको टिकट देना पड़ा। हालांकि ब्रजभूषण का टिकट तो काटा गया लेकिन उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार इस सीट से कौन जीत दर्ज करता है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में इस बार 2024 के चुनावों में जब से रुझान आने शुरू हुए हैं उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ा उलटफेर बार हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही 42 सीटों पर अपनी बढ़त दिखाती नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा दावा किया जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ये कहती नजर आ रही थी कि हम उत्तर प्रदेश की 75 सीटें अपने नाम करेंगे, अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें भी अगर अपने नाम कर ले तो वाकई में बहुत बड़ी बात होगी। और उन सीटों में सबसे बड़ा नाम केसरगंज सीट का भी है, क्योंकि हम बात केसरगंज सीट की कर रहे हैं और केसरगंज सीट जो है बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इस सीट से जीत दर्ज करी थी। अब देखते हैं कि आखिरकार क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा करण भूषण इस सीट से जीत दर्ज कर पाएगा या फिर नहीं। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।